हेलो एवरीवन, आज बच्चों के बीच में शॉर्ट नोट्स वर्सेस क्लास नोट्स की डिबेट हो रही है। आपको दोनों के यही बेहतरीन पॉइंट्स मिलेंगे। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो भी टीम विन के करे, मतलब कि शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास नोट्स, उस टीम का नेम भी जरूर लिखना। वी आर क्लास नोट्स, वी आर शॉर्ट नोट्स, वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, टाइम सेविंग के लिए शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, और वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स क्रैमिंग भी होगी। बट एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स के हम क्लास नोट्स पढ़े, तो हम शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास हो सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट नोट्स पता हो तो उसकी हम थ्योरी खुद भी बना सकते हैं। बट एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और जो हमें क्लास नोट देखने पड़ते हैं कि हमने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, और शॉर्ट नोट में इतना बड़ा बड़ा लिखा नहीं होता जिससे हमें समझ आए। पर हायर क्लासेस में अगर बच्चे ने शॉर्ट नोट्स पढ़ रखे हो तो वो थ्योरी बना ही सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी क्लास नोट्स से बनते हैं। बट क्लास नोट्स भी तो बुक से बनते हैं, तो हम बुक का रट्टा तो नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पहले क्लास में क्लियर हो जाए तो बाद में शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्लास नोट्स की। फास्ट क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। क्लास नोट्स हम रेगुलर पढ़ते हैं, वो एक टाइप की मेडिटेशन है। शॉर्ट नोट्स एक टाइप की आरती है, और लास्ट में प्रसाद मिलता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या आता है, सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसमें लेंथ पहले हमें फाइनल की नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, दिमाग सिर्फ 24 घंटे याद रख सकता है। तो फाइनल के लिए भी तो शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। क्लास नोट्स तू भी शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ती है, लास्ट में देखी है तेरी कॉपी, तो क्लास नोट्स से ही है। बुक में भी शॉर्ट नोट्स वाला है, क्लास नोट्स भी बनाती है क्या? मैं शॉर्ट्स बना रहे हैं ना, तुम्हारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं टैब तू टैब से तू देखती है, बैग में जब वो ऐसे से देख रही थी, फोन मेरे को दे नहीं रखा। सर ने वीडियो भी बनाई है तेरी, तो अच्छी बात है। फिर अच्छी बात है, बात काट दी। चीटिंग करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, बट हम पढ़ के ही सक्सेस लेंगे, ना की चीटिंग करके। बात ही नहीं है चीटिंग की, बात अभी चीटिंग कर लोगे, आगे आगे बड़ा, आगे बड़ा एग्जाम, आगे बड़ा चीटिंग की थी, नहीं चीटिंग की थी। ईमानदारी से हार के भी ठीक है, ईमानदारी से हार के भी ठीक है ना। एक कटोरा देते मार्क्स मांग लेंगे ठीक। शक्ल तो तुम्हारी है मांगने वाली, ईमानदारी से खुद करते हैं, तुम्हारी तरह चीटिंग करके नहीं बैठे पाओगे ना तुम। अभी तो तुम चीटिंग कर लोगे, बड़े एग्जाम होंगे वहाँ पे क्या टैब खोल के करोगे पहले क्या? प्लस टू तो कंप्लीट करो आप, प्लस टू तुम क्या प्लस कर लो पहले। क्लास में तो तुमने पढ़ना नहीं, वहाँ तो बैठ के चिप्स के पैकेट देखता है कौन टैब कितना चलाता है, कौन पढ़ता है, कौन पीछे बैठ के क्या करता है। पढ़ते हैं ना ये घर पढ़ते हैं, वो हमारा है, हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। और क्लास टाइम पे शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास करने वाले बच्चों के फैशन नहीं होते, पढ़ने वाले बच्चों के फैशन नहीं होते। सिर्फ पढ़ने से कुछ, पढ़ने पढ़ाई अपनी जगह है, कपड़े पहन के नए नए, और तो कुछ करना नहीं। हमारा टैब नहीं चलाते ना हम, किसी से टैब पहले बात पर्सनल कौन गया, बाहर निकलो आप ही गए, हमारा ड्यूटी।